अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग किड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम योर मैनरिज्म टीचर एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ रिस्पेक्ट। आफ्टर दैट स्टार्टिंग विद द स्वीटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह, हु इज़ द किंग ऑफ द किंग एंड द किंग ऑफ द डूम्सडे, हु इज़ द वन हु विल बी द वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ रिस्पेक्ट। डू यू नो वट इज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स? रिस्पेक्ट हम कहते हैं अदब को, रिस्पेक्ट हम कहते हैं अदब को जो हम अपने बड़ों का करते हैं। ये हमारा बिहेवियर होता है जो हम शो करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने आसपास के जितने भी हमारे लोग, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको हम अपना बिहेवियर शो करते हैं और उन्हें कैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है वो है रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स हमारे मामा बाबा जो हमें, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? हमारे मामा बाबा जो हैं उनके साथ हमारा एक फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो डिवेलप हो जाता है। और वो कैसे होता है कि हम अपने मामा बाबा से हर चीज़ शेयर करते हैं। वो हमारे लिए घर में खाना बनाते हैं, बाबा खाना लेकर आते हैं, मामा खाना बनाती हैं, बाबा हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें लेकर जाते हैं, पार्क लेकर जाते हैं, उनके साथ हम पूरा दिन घर में होते हैं। इससे हमारी फ्रेंडशिप डिवेलप हो जाती है और मामा बाबा हमारे सबसे पहले फ्रेंड्स होते हैं देन। एक और रिश्ता हमारा उनके साथ डेवलप होता है वो है लव। उनको हम लव करेंगे, उनसे हम प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे, उन्हें हम ये एहसास दिलाएंगे कि उन्हें हम अपने, उन्हें रिस्पेक्ट का एहसास दिलाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड लव। उनसे हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। डिवेलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। हम उनकी मदद करते हैं मामा बाबा की, मामा बाबा को, मामा बाबा हमें गिफ्ट देते हैं ना, तो मामा बाबा, मामा हमारे लिए सब कुछ करते हैं तो हम भी मामा बाबा को गिफ्ट देते हैं। इससे हमारा उनसे एक पॉजिटिव जो रिलेशन है, एक प्यार वाला, एक मोहब्बत वाला रिलेशन जो है हमारा उनसे डिवेलप हो जाता है। उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पीक पोलाइटली। ये हमारा अगला कंटेंट है। स्पीक पोलाइटली का मतलब है कि हम, मामा बाबा हमसे कितने प्यार से बात करते हैं, मामा हमें प्यार से बात करती हैं, बाबा हमसे प्यार से बात करते हैं, तो इसमें हम अपने मामा बाबा से भी प्यार से बात करेंगे रिटर्न में ही। हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि हम उनसे शाउट करके बात करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे। हम उन्हें तेज़ आवाज़ में बात नहीं करेंगे, हम उनसे आहिस्ता आवाज़ में बात करेंगे, धीमी आवाज़ में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे मामा बाबा हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स का मतलब यह है कि हमें अपने मामा बाबा की हर बात माननी चाहिए। मामा हमें पढ़ाती हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मामा बाबा की हर बात माने, उनके लिए सब कुछ करें। वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे अदब से पेश आएँ। डोंट शाउट वेन दे आर अराउंड यू। अब हमें, जैसे कि आप और आपके जो भाई है, छोटा भाई है, वो आपस में किसी बात के ऊपर ज़िद कर रहे हैं, कुछ भी या खेल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर, और मामा आपकी बैठी हुई हैं, ऐसा ना करें, ये उनकी रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ हो जाएगा। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट फाइट, डोंट शाउट अराउंड देम, ओके। देन हमारे पास अगला जो कंटेंट आ रहा है वो है रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स। डू यू नो हु आर द ग्रैंड पेरेंट्स? ग्रैंड पेरेंट्स वो होते हैं जो हमारे घर में नाना नानी या दादा या दादी होते हैं ना, जो थोड़े से ओल्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स।
हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो हमसे कोई चीज़ मांगते हैं हमें उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कहीं आना जाना चाह रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं ना, तो उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उनको पानी ला कर देना चाहिए, वो हमसे पानी मांगते हैं ना, तो हमें उनकी हर तरह की हेल्प करनी चाहिए, कि वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें उन्हें हर तरीके का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। डोंट स्कॉल्ड देम, डू यू नो वॉट इज कॉल्ड, जिसे हम डांटना कहते हैं, हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे लव करते हैं, तो हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, बिकॉज़ दे आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनसे भी अदब से पेश आना चाहिए, हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, हमें उनसे तेज़ आवाज़ में बात करनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास अगला कंटेंट आता है, रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर का अदब करें, उनसे अदब और एहतराम से पेश आएँ। देयर वी हैव अ कंटेंट, अ रोल ऑफ दैट, बिहेव रिस्पेक्टफुली टू योर टीचर, हमें अपने टीचर से रिस्पेक्ट से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, हमें टीचर जो भी कुछ कहती हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए, हमें उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमें सिखाती हैं, हमें लिखना पढ़ना सिखाती हैं, हम सुबह से उनके पास जाते हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट टॉक व्हेन द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, बस समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर जो है तो वो क्लास में टीच कर रहा है, और जो कुछ गर्ल्स होती हैं वो पीछे बात कर रही होती हैं, इससे क्या होता है कि टीचर डिस्टर्ब हो जाती है, वो पढ़ा नहीं सकती, उनका आपका ध्यान नहीं होता उनकी तरफ, तो ये भी उनकी रिस्पेक्ट है, ये भी उनका उनके उनके लिए अदब है, कि वो जब बोल रही हूँ क्लास में पढ़ा रही हूँ तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। टीचर इज़ लाइक योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स हमारी टीचर जो होती है वो हमारी फ्रेंड होती है, वो हमारा हेल्पिंग हैंड होती है, वो हमारी हर चीज़ में हेल्प करती है, हमें कलरिंग करना सिखाती हैं, हमें पोएम पढ़ना सिखाती हैं, हमें काम करना सिखाती हैं, वो हमारी फ्रेंड होती हैं, हम उन्हें उनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं। डोंट शाउट व्हेन द टीचर इज़ इन योर क्लास एंड वेट फॉर योर टर्न, हमें क्लास में शाउट नहीं करना चाहिए, हमें क्लास में चिल्लाना नहीं चाहिए, जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, टीचर हमारी बात ज़रूर सुनेंगी, आप अपना हैंड रेज करें, मैडम आपकी बात ज़रूर सुनेंगी, ये उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, कि आप क्लास में ना बोलें, आप टीचर की बात सुनें और क्लास में ना चिल्लाएं, ओके। शेयर योर प्रॉब्लम विद योर टीचर, शेयर योर प्रॉब्लम विद योर टीचर, लाइक यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी थिंग, लाइक इफ़ यू डोंट हैव पेंसिल, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू ड्रिंक वाटर, आपको जो भी चीज़, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने टीचर से शेयर करें, एंड द टीचर विल हेल्प यू, आपकी टीचर जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो आपकी हेल्प कर सके, ओके माई किड्स माई डेयर्स। ओबे योर टीचर्स, हमें हमारी टीचर की हर बात माननी चाहिए, जो हमें वो कहें कि टेक आउट योर बुक्स तो हमें अपनी बुक्स निकालनी चाहिए, इफ़ शी सेड टेक आउट योर कॉपीज़ और टेक आउट योर पेंसिल्स और डोंट शाउट और डोंट टॉक, हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स, दे लव अस, वो हमसे लव करती हैं, वो हमसे मोहब्बत करती हैं, वो हमारे वेल विशर हैं, हमारी केयर करती हैं, सो वी हैव टू ओबे आवर टीचर्स। आस्क परमिशन, दिस इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट, कि हमें अपने टीचर से किसी भी चीज़ की परमिशन लेनी चाहिए, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू टेक आउट अ कॉपी फ्रॉम अ बैग एंड द टीचर इज़ टीचिंग, और इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम एंड द टीचर इज़ इन द क्लास, सो आस्क परमिशन दैट एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई गो टू वॉशरूम और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो वो आप उनसे परमिशन लें, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट, ये जो है एक रिस्पेक्ट का एक एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है, ठीक है, ये उसका एक जुज है जो हमें अपने जो हम अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं।
लव यू टीचर, योर टीचर लव यू ना, सो यू ऑल्सो हैव टू लव योर टीचर। हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, बिकॉज शी लव अस, वो हमसे प्यार से बात करती हैं, तो हमें भी उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। थैंक यू माई किड्स, होप आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।